नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। बिहार में इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन सर्वे का काम चल रहा है और आपको बता दें कि ये काफी शांतिपूर्ण माहौल में कार्य चल रहा है, क्योंकि इसके माध्यम से बिहार सरकार ने कई राहतें दी है। जो लोग जमीन मालिक जो हैं वो बाहर दूर दराज के क्षेत्रों में काम करते हैं, उन्हें ऑनलाइन के माध्यम से भी इसमें भागीदारी जो है वो निभा सकते हैं और उनका कार्य जो है वो सकुशल हो जाएगा। ऐसा हाल के दिनों में ऐसी बातें सामने आई हैं। तो वहीं अब जमीन सर्वे मामले पर प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये नीतीश कुमार की आखिरी गलती है और आपको बता दें कि आने वाले दिनों में, ऐसा उनका कहना है कि आने वाले दिनों में जनता इन्हें झाड़ू मार कर बाहर निकाल देगी, ऐसा कहते नजर आए प्रशांत किशोर। बिहार में जमीन के सर्वे पर भड़के प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार की सरकार बोतल से जिन निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे ये भी पता नहीं है कि जिनको अगर बोतल में वापस डालना होगा तो वो बोतल में कैसे जाएगा। सरकार ने इतना बड़ा बखेड़ा कर दिया है कि नीतीश कुमार को पता ही नहीं चल रहा है कि ये खत्म कैसे करने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि जमीन को लेकर परिवारों में झगड़ा लड़ाई तुरंत शुरू होना नीतीश कुमार 6 महीने से अपने लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नियति नीतीश कुमार से ये सब करा रही है। 18 साल से सरकार में थे तब उनको जमीन के सर्वे की चिंता नहीं थी, लेकिन अब जब विदाई का वक्त आ गया है तो उनसे पहले नियति ने ये काम करा दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि सत्ता से जाते जाते नियति ऐसा गलती करा देगी कि समाज झाड़ू मारकर उन्हें बाहर भगाएगा। बिहार में जमीन का सर्वे नीतीश कुमार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। समाज को तो परेशानी होगी ही, लेकिन किसी के कहने से वो उनको रोकने वाले नहीं है। राजस्व विभाग में रजिस्ट्रार 2 का सेकेंड रिकॉर्ड भी नहीं है, ऐसे में विवाद बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा है। पीके ने कहा है कि जमीन सर्वे के बहाने ऊपर वाले ने नीतीश कुमार की विदाई तय कर दी है। जैसे ही जमीन को लेकर विवाद बढ़ेगा तो बिहार के लोग जेडीयू के लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। बिहार में ना तो कानूनन बेटियों को जमीन दी गई है और ना ही उन्होंने मांगा है। अब जब जमीन के दाम बढ़ गए, उनका परिवार कभी भी जमीन देने के लिए तैयार नहीं होगा, वंशावली बनेगी नहीं और सारे जमीन विवाद में बदल जाएंगे। तो आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर जो है वो सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार ये जो सर्वे का काम करा रहे हैं वो इनके लिए गले का कांटा साबित होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में जब लड़ाई झगड़े और विवाद जब ज़्यादा बढ़ेगी तो ऐसे में जेडीयू के लोगों को जो है वो यही जनता जो है दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। और उसके बाद आपको बता दें ये सीएम नीतीश कुमार का जाने का जो रास्ता है वो बिल्कुल तय हो चुका है, ऐसा प्रशांत किशोर कहते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये उनकी बड़ी गलती जो है वो साबित होने वाली है। ऐसा प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कहा है कि इतने दिनों से वो सोए हुए थे, लेकिन अब जमीन का सर्वे कराकर वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल ऐसी ही बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आज जुड़े रहें NBC 24 पर।